नमस्कार, मैं हूँ असीम अक्रम। टेक्निकल आसाम यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आप लोगों को एक हार्वेस्टर मशीन दिखाऊंगा। तो मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर हाजो में। तो फ्रेंड्स, ये हार्वेस्टर मशीन जो आप लोग देख रहे हो, ये एक्चुअली उड़ीसा का मशीन है, हम लोग का आसाम में आया है। तो मैं आप लोगों को इस मशीन का अबाउट जो फ्यूचर है, मैं सारा कुछ आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा, और ये कैसे वर्क करता है वो भी थोड़ा सा मैं एक्चुअली दिखाने का कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि मैं ऑटोमोबाइल रिलेटेड से वीडियो बनाता हूं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का आसाम में एक्चुअली हार्वेस्टर मशीन जो देख रहा है, ये लगभग ना का बराबर में है। और फ्रेंड्स, इस मशीन का अगर आप लोग कीमत का बात करें तो ये लगभग दो ट्रैक्टर का बराबर ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है उसे, मतलब ये 27 लाख का आसपास में है। पहले 27 था, थोड़ा अभी मतलब 27-28 भी हो सकता है। जो ये हार्वेस्टर मशीन देख रहे हो, इसका ऑपरेटर से भी मैं थोड़ा सा बात करने का कोशिश करूँगा। तो सर, मेरा नाम वसीम अकरम है एंड वेलकम टू आवर आसाम। तो आप बाहर से आया हो आसाम में, तो आपको आसाम में आके कैसा लगा यहाँ पर काम करके, थोड़ा सा हम लोग का व्यूअर्स को बोलिए। यहाँ का मौसम जो बहुत अच्छा है, और ये हम लोगों को रियलाइज हुआ, मगर यहाँ जो धान करने सभी लोग अच्छा है, यहाँ अच्छा है ना। हाँ, यहाँ धान बंद करने का कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। हाँ, फिलहाल हम लोग का यहाँ में धान का खेती कम हो रहा है। एक्चुअली आपको पता भी है, आप बंगाल का हो, वेस्ट बंगाल है, असम का ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है अभी धान का खेती थोड़ा सा कम है। अभी जो है धान का लगान शुरू हुआ है, इस बार जो धान होगा ना, यह पूरा असम में जो है सारा खेत आपको धान से ही धान दिखाई देगा। तो उस टाइम में भी आप आने का कोशिश करेंगे यहाँ पर? जरूर जरूर आएंगे, आएंगे ना। मैं आपसे थोड़ा सा इसके अबाउट जानने का कोशिश करूँगा, तो आप इसका फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा हम लोग का व्यूअर्स को बता दीजिए, कैसे क्या होता है थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये जो नीचे वाला देख रहे हो, वो वो ब्लेड है, ठीक है? अच्छा, ब्लेड है। हाँ। उसी से काटता है, और ये रोलर है, रोलर से घूम के सीधा अंदर लेता है। हाँ। और वो जो देख रहे हो, यहाँ जो देख रहे हो, हाँ, यहाँ से सीधा अंदर जाता है। अच्छा, मतलब इस रोलर को घूमते ही मतलब धान जो है यहाँ पर आ जाता है। हाँ, और ये इस ब्लेड से मतलब कटिंग होता है, ठीक है ना? इस ब्लेड कटिंग होता है। और ये जो दिख रहा है, इससे मतलब घूम के धान उस साइड में चला जाता है, ठीक है ना? ये जो बेर किया है ना, ये बेर से सीधा ऐसे आके यहाँ खत्म होता है। हाँ। अगर यहाँ खत्म होने के बाद यहाँ से घुस जाता है, यहाँ से घुस जाता है, अंदर घुस के जी फलन में जाता है, ठीक है? हाँ। उसका बाद जैसे कि यहाँ पर अंदर में घुस गया। हाँ। अंदर में घुस के जो है उस साइड में आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा थोड़ा सा। ये जो देख रहे हो ना, वहाँ से सीधा धान उसके अंदर आएगा। हाँ। वहाँ से फिल्टर होके आएगा यहाँ जी, यहाँ आके पूरा ये हलड़ है, पूरा धान का जो कुट्टी होता है ना, वो यहाँ से निकलता है, तो पीछे साइड से। हाँ, वो गिर जाएगा, ठीक है ना? फ्यूल का कैपेसिटी कितना है यहाँ पर? यहाँ फ्यूल टैंक दिखाई दे रहा है, फ्यूल टैंक है, यहाँ 90 लीटर का टैंक है। 90 लीटर? 90 जी जी जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया, एक घंटा में 8 लीटर डीजल जलाएगा, ठीक है? तो इसका बदले में एक घंटा में ये कितना धान मतलब लगभग काट देगा, ये कितना बीघा काट देगा साइड? एक ये बीघा में 25 मिनट लेता है। तो सर, मान लीजिए आप लगभग 2 बीघा, लोगों ने देख लिया कि ऑपरेटर है, इन्होंने बोला है कि एक घंटा में ये जो मशीन है 8 लीटर डीजल जलाता है, ठीक है? तो एक घंटा में फिर ये 2 बीघा धान को भी काट देता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अंदर का फ्यूचर थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूंगा, तो सर थोड़ा सा हम लोग को अंदर में दिखा दीजिए। ये जो थेसर जी, थेसर ये फेंके फैलेंगे तो इसके अंदर जो रोलर है ना, जो धान को झर के रखता है, वो स्टार्ट होगा। अच्छा, और ये है दूसरा वाला थे सर, ये स्टार्ट करूंगा तो कटर बेल चालू होगा, रोलर भी घूमेगा। अच्छा, इससे मतलब रोलर घूमता है? रोलर और कटर, कटर रोलर और कटर दोनों का कनेक्शन है इसमें? हाँ, दोनों घूमता है। हाँ सर। और ये है पिकअप, ये दोनों पिकअप, मतलब इसमें जैसे हम लोग का एक्सेलरेटर होता है, ये पिकअप है, ये ऑटो है, ये सिस्टम वाला, मतलब ये ऑटो है, ये मैनुअल है? अच्छा, हाँ, ये ऑटो ऑन ऑफ भी है इसमें? मतलब हाँ, मतलब सर इसको जैसे ऑफ करके रखेंगे तो इसमें मैनुअल चलाना पड़ेगा, चले, चले। और इसको ऑन करके रखने ऑटोमेटिक चलेगा, मतलब जितना प्रेशर होगा उतना रेस अपने आप ले लेगा। हाँ जी सर। और ये है गियर? हाँ, ये तीनों गियर है, लो मीडियम हाई। अच्छा, इसमें मतलब लो मीडियम हाई। हाँ। और यहाँ पर न्यूट्रल भी है क्या सर? नहीं, हाँ ये न्यूट्रल है। अच्छा, ये तो न्यूट्रल है। हाँ, हाँ। ये न्यूट्रल है। अच्छा, और जो सामने फास्ट जाने के लिए, थोड़ा आपको फास्ट जाने के लिए ये वाला लीवर। अच्छा, आगे करना पड़ेगा। हाँ, 1 2 3 4 भी लिखा है, 5 तक। और
रिवर्स में लेना है तो ये पीछे करना है, ये पीछे भी लिखा है, एक दो तीन चार पाँच लिखा है, ठीक है। इसका मतलब सर ये आगे जितना स्पीड में जाएगा पीछे भी उतना स्पीड में ले सकता है, उतना स्पीड में जाएगा। जी सर जी, आरपीएम। अच्छा सर, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है हेडलाइट है क्या? हाँ लाइट, मतलब हेडलाइट, टर्न सिग्नल, ये सब है, ठीक है ना। तो सर और ये है आपका मेन लीवर। अच्छा, इसमें ही आपको गाड़ी का कंट्रोल करना है पूरा। अच्छा, इससे मतलब गाड़ी को कंट्रोल होता है, जैसे कि हम लोग का गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, स्टीयरिंग हो गया यहाँ, मतलब ये मतलब चार काम है इसका, पांच टोटल, टोटल पांच काम है, ठीक है ना। काम है पांच, ठीक है। ये दाएं तरफ मुड़ेगा, ये बाएं आएगा, ये सामने करोगे तो वो कटर बेल नीचे जाएगा, ऊपर करोगे तो ऊपर आएगा कटर बेल। अच्छा, और ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना, ये जो छोटा वाला, यस, ये छोटा वाला करोगे तो वो जो रील है ना नीचे का, वो रील ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये जो आप लोग को रील दिखाई दे रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो रील ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर धान भर गया तो आप इसको क्या हाथ से अनलोड करना पड़ेगा या? नहीं, 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 नहीं। इसके लिए और एक टेक्नोलॉजी है। हाँ सर, वो दिखाऊंगा आपको। ये जो देख रहे हो ना, ये पाइप, मतलब यहाँ से धान वहाँ से धान गिरता है तो इसको मतलब मूव भी कर सकता है ना, उसको डाने तरफ बाएं तरफ जितना तरफ, हाथ से तो नहीं करना पड़ेगा ना सर? इस साइड है, इस साइड। और मतलब यहाँ पर लीवर है, हाथ, ये जो लीवर है ना, ये होगा आप ऊपर होगा। अच्छा, और ये होगा डाउन। अच्छा, नीचे होगा। और ये लेफ्ट या राइट, तो जो है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन सब कुछ इस लीवर का मदद से हो जाएगा। एक ही लीवर में होगा चार काम, ठीक है। और ये जो है ना, ये हो थ्रेसर। अच्छा, इसको फेंकेगा तो वहाँ से धान, ये मतलब क्योंकि सर मौसम खराब है सो हम लोग अभी खेत में नहीं जा सकता है, इसलिए जो है आप थोड़ा सा इस मशीन को आप स्टार्ट करके इसको मूव करके थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है मशीन जो है स्टार्ट हो गया है, और हम लोग का जो ये ऑपरेटर है, ये जो है इसको अप करके भी दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा आगे से। तो यहाँ पर जो है मशीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऑपरेटर ने इसको अप एंड डाउन भी कर रहा है। तो आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा था ये हार्वेस्टर मशीन। सो आप लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये जो ऑपरेटर है हम लोगों को जो है इस वीडियो में काफ़ी मदद किया है। सो आपको भी हम लोगों का टेक्निकल आसाम यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सो आपने जितना यहाँ पर हम लोगों को व्यूअर्स को दिखाया है, तो आप हम लोग का व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे प्लीज़ दो शब्द बोल दीजिए। मेरा नाम है मनोज पत्रू, मेरा गांव है वेस्ट बंगाल पंडुआ थाना। जी सर, मोड़ा में मेरा घर है, छोटा सा गांव है एक, वहीं से आया हूँ मैं। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे को जितना जानकारी था उतना ही मैंने आप लोगों को बोला है, ठीक है। मगर इससे ज़्यादा जानकारी होगा तो और भी बताने से मेरा अच्छा लगता है। फिर क्या करें, हम जितना जानते हैं उतने ही आप लोगों को बोला है, ठीक है। तो देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा था ये यानमार हार्वेस्टर मशीन। सो ये जो है मनोज पात्र, इन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया है, और ये जो है इस हार्वेस्टर मशीन का ऑपरेटर है। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर टेक्निकल आसाम चैनल। थैंक यू।